और मेरे इंटरव्यू के पहले चलाकर भी दिखाइएगा तो लोग भी सुने। उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों चोर होते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा है जी। तो वो उन्होंने ओबीसी समाज का ही जानबूझकर अपमान किया है, इसमें पार्टी के बनाने का सवाल नहीं है, उन्होंने बोला ही ऐसा है। और जो महाशय कोर्ट में गई इसके खिलाफ, इस स्टेटमेंट के खिलाफ, उनका कंटेंशन भी है और जजमेंट का सार भी वही है। आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था, महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कि मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया, तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बिल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर, पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ दो जन्म टिप की सजाएं हुई जी। ऐसे वीर हुतात्मा के लिए आज इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, और शायद हम पर उनको भरोसा ना हो, वो अपनी दादी के सावरकर जी के लिए पढ़ ले कि इंदिरा जी क्या कहती थी, वो पढ़ लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। उनके साथी भी उनको कह रहे हैं, शिवसेना शरद पवार सब एडवाइस कर रहे हैं जी। अभी जी, अभी तक ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं थे, इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहुल गांधी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, एक तरीके से ऑपोजिशन जो है एक साथ एकजुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए राहुल जी, हर बार ये सवाल मैं जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए आ रहा है, मुझे एक बताओ, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गए, बंगाल में क्या करेंगे, केजरीवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहुल जी के लिए छोड़ देंगे क्या, साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं, अब ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी बात को लेकर सारा ऑपोजिशन कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह का जो है ये नैरेटिव वेस्ट के भी कुछ सेक्शंस में उठ जाता है, तो क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर आपको लगता है ऐसे नैरेटिव को कुछ बल मिलेगा कुछ? नहीं, मगर ये लोकतंत्र जब लालू जी डिस्क्वालिफाई हुए तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? अभी एनसीपी के एक सांसद डिस्क्वालिफाई हुए थे, मोहम्मद फैजल जी, तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीमती कुमारी जयललिता जब डिस्क्वालिफाई हो गई थी तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ गांधी परिवार से ही खतरा खड़ा होता है क्या? ये तो 17 लोग डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं भैया, और देश का कानून है जो बदल सकते थे, आप फाड़ दिया नॉनसेंस कर कर, अब काहे को छाती पीट रहे हो भाई? अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं, कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है, तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं आज? क्या लगता है आपको वहां पर स्थिति क्या है, कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूं। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूं, घोषणा की पहले आज ही हुई है, और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, 5ों क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम
निश्चित रूप से हाफ वे मार्क से काफी आगे रहेंगे, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 1985 रामकृष्ण हेगड़े जी के बाद कभी रिपीट नहीं हुई है सरकार, इसके बाद भी आपको इतना भरोसा है? 30 साल के बाद कभी, 30 साल तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी। कई सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी 77 के बाद। ये दोनों मोदी जी के समय में हुआ, ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। एक अजीब सी चीज देखी कर्नाटका में, मुख्यमंत्री बोमई हैं और चेहरा येडियुरप्पा, प्रधानमंत्री ने